please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो पर हैं। देश स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आज़ादी का 74वां वर्ष है। आज के दिन सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन और उद्बोधन पर टिकी होती हैं, आप सब ये जानते हैं। कैसे लेकर गत तक, आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण की, आज के भाषण की अहम बातें और उनके मायने बताने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार ये लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर सातवीं बार देश के नाम संबोधन था। आज के कार्यक्रम में कोविड-19 के सुरक्षा एहतियात की वजह से लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 4000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया था। पहली बार प्रधानमंत्री के भाषण की, प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना से जीत कर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कोरोना वायरस के दौर में सबसे पहले देश के कोरोना वॉरियर्स को नमन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में डॉक्टर्स, नर्स, एम्बुलेंस चलाने वाले हों, किस किस का नाम गिनाऊं, उन्होंने इतने लंबे समय से सेवा परमो धर्म को जी कर दिखाया। उन सभी कोरोना वॉरियर्स को नमन है। उन्होंने कहा कि कई परिवार प्रभावित हुए हैं, कईयों ने जान गंवाई हैं, उनको नमन करता हूँ। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से हम विजयी होकर रहेंगे। आज़ादी के 75वें साल के रूप में अगले साल बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी का पर्व नया उत्साह लेकर आता है। इस बार तो संकल्प करना आवश्यक भी है और शुभ अवसर भी है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। मोदी ने कहा कि बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना है। हमारे पूर्वजों ने अखंड तपस्या करके त्याग और भावनाओं को साबित कर जो आज़ादी दिलाई है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में भी प्रधानमंत्री बोले। नरेंद्र मोदी ने विस्तारवादी सोच वाले लोगों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आज़ादी के लिए प्रयास नहीं हुआ हो, प्राण अर्पण नहीं हुआ हो। गुलामी के काल में कोई भी बल ऐसा नहीं था जब आज़ादी की ललक न उठी हो, जीवन के सपनों को फांसी के फंदे पर खपा दिया। सशस्त्र क्रांति का दौर, दूसरी तरफ सत्याग्रह और जन आंदोलन का दौर। इस जंग में भारत की आत्मा को कुचलने के अनगिनत प्रयास हुए। जो लोग विस्तारवाद की अंधी दौड़ में लगे थे, उन्होंने विस्तारवाद के मंसूबों को पार करने के लिए दुनिया को दो विश्व युद्ध में झोंका। मोदी ने कहा विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। भीषण युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आज़ादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। भारत ने आज़ादी की ललक नहीं छोड़ी। विस्तारवाद के लिए भारत चुनौती बनकर उभरा। इतिहास इस बात को नकार नहीं सकता है। आत्मनिर्भर भारत पर पूरा जोर दिया। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हमारे आत्मनिर्भर होने पर पूरा जोर दिया। उन्होंने कहा आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल, यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर वो कच्चा माल हमारे देश में ही लौटता रहेगा। एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था जो है वो बहुत पिछड़ी हुई थी, तब सबसे बड़ी चिंता ये थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरें। आज हम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्किल्स को बढ़ाना भी है। दुनिया को उत्सुकता भी इस बात की है और भारत से अपेक्षा भी। पीएम मोदी ने बताया कि सिर्फ कुछ महीनों पहले तक N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर, ये सब हम विदेशों से मंगवाते थे। आज सभी में भारत ने सिर्फ अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी हमारा देश जो है वो उभर कर आगे आया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। ये सपना संकल्प में परिवर्तित होते हुए हम देख रहे हैं। ये 130 करोड़ भारतीयों के लिए मंत्र भी बन गया है।
दुनिया को उत्सुकता भी है इस बात की और भारत से अपेक्षा भी है। कृषि क्षेत्र में भारत की उन्नति को लेकर उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत की उन्नति जो है वो ऐसी है कि कभी हमें बाहर से गेहूं मंगवाना पड़ता था, लेकिन कृषि क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, अब हम दुनिया के पेट भी भरते हैं। उन्होंने कहा कि स्पेस सेक्टर में भारत बढ़ता है, पड़ोसियों को भी लाभ मिलता है, पावर सेक्टर में भारत आगे बढ़ता है तो अन्य देशों को भी ऊर्जा मिलती है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना है, ये बात उन्होंने बेहद अहम मान कर कही। आत्मनिर्भर की बात करता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा तो अनेक आशंकाएं भी प्रकट की जाती हैं। मैं जानता हूं कि लाखों चुनौतियां हैं जब ग्लोबल कंपटीशन होता है, लेकिन लाखों चुनौतियां हैं तो समाधान देने वालों भी, जो हमारे देश के लोग हैं समाधान देने वाले, वो भी लाखों हैं। वोकल पर लोकल का मंत्र लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जो पहले उन्होंने मंत्र दिया था उसी को एम्फसाइज किया, उसी पर जोर दिया। उन्होंने कहा आइए मिलकर संकल्प लें, वोकल फॉर लोकल जीवन का मंत्र बना लें। उन्होंने कहा कि कभी गरीबों के जनधन खाते में लाखों करोड़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किसने सोचा था कि APMC एक्ट बदलेगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदलेगा, स्पेस सेक्टर युवाओं के लिए खुला हो जाएगा, FDI ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो 18% की बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, निवेश की बात कर रहे थे। कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। मेक इन इंडिया के साथ अब मेक फॉर वर्ल्ड 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जो इंडिया के साथ अब मेक फॉर वर्ल्ड का नारा भी उन्होंने दिया है, जो पहले सिर्फ मेक इन इंडिया हुआ करता था। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड लेकर आगे हमें बढ़ना है। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसे ही मोहित नहीं हुई है हम पर, यानी भारत पर, इसके लिए भारत ने विश्वास जगाया है, पूरी दुनिया में एक विश्वास दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस महाकाल खंड में पूर्व पश्चिम में चक्रवात, बिजली गिरने से मौतें, बाढ़ से खतरा, टिड्डी दल की आपत्तियां, मुसीबतों का अंबार लग गया, देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता चला गया। इसी के साथ नई सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ना है, उन्होंने ये कहा। मोदी जो हैं उन्होंने कहा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल जी के दौर में प्रारंभ हुई योजना थी, आज भी देश बड़े गौर से उसे देख रहा है, उसे हमें नई ओर ले जाना है। न रेल रोड से संबंध, न पोर्ट से एयरपोर्ट का संबंध, हमें नई सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ना है। सारी व्यवस्था को नई ताकत हमें देनी है। समुद्री तट के पूरे हिस्से में 4 लेन बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। बैंक खाता, पक्के घर की बात हो, हर घर में बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, बीमा, आयुष्मान योजना, हर गरीब और हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, बहुत प्रगति हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक ट्रस्ट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान उत्पादक संघ बनाने की जो कोशिश है वो बड़े एम्पावरमेंट का काम करेगा। जल जीवन का जो सपना हमने जो देखा था, लोगों को पीने का शुद्ध जल मिलना चाहिए, प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा घरों में जल पाइप से पहुंचा रहे हैं, 2 करोड़ परिवारों तक जल पहुंचाने का काम हमने किया है। जल जीवन मिशन ने तंदुरुस्त स्पर्धा का माहौल बनाया है। मध्यम वर्ग को सरकारी दखलंदाजी से मुक्ति देनी चाहिए, ये बड़ी बात उन्होंने कही, ताकि हमारा मध्यम वर्ग जो है वो सपने देख सके और उनको पूरा कर सके। स्मार्टफोन, उड़ान योजना, हाईवे, सब मध्यम वर्ग को मदद कर रहा है, ये बात भी कही। तो आज के भाषण में जो 15 अगस्त का भाषण था नरेंद्र मोदी ने, अगले समय के लिए जो भारत के सामने आने वाला है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने खोल के रखी, लेकिन कितने वादे पूरे हो पाते हैं मध्यम वर्ग के लिए, आम जन के लिए, छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर तक आप हमारे साथ में बने रहिए, हम आप तक खबरें पहुंचाने का काम करते रहेंगे। शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।